गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी अ लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं, उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोर्स के बारे में जानेंगे। बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है, तो आपको ये सोचना है कि हमको बीता हुआ कल को लेकर चलना है या फिर आने वाले कल को। आने वाला कल आपका बेहतर हो सकता है अगर आप निरंतर प्रयास करेंगे और 100% सफलता की ओर मेहनत करेंगे। सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। तो इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए 11 अप्रैल 2024 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में आई लीग 2023-24 का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर कोलकाता मोहम्मदन स्पोर्टिंग के द्वारा आई लीग 2023-24 का खिताब जीता गया। तो जानते हैं कि आखिर ये मोहम्मदन स्पोर्टिंग लीग किस वजह से दी जाती है, तो ये सारे फैक्टर्स को याद रखना होगा। तो हम चलते हैं इसके डिटेल फैक्ट्स की ओर। कोलकाता के मोहम्मदन स्पोर्टिंग ने 6 अप्रैल 2024 को मेघालय के शिलोंग के एसएस ग्राउंड में शिलोंग लाजोंग क्लब को 2-1 से हराकर आई लीग 2023-24 जीता है। ये 133 साल पुराने कोलकाता स्थित क्लब ने अगले सीजन के भारतीय लीग में भी जगह को पक्की कर ली। इसी के दौरान सुपर लीग इंडियन क्लब लाइसेंसिंग प्रीमियर एक मानदंड को पूरा करने के अधीन है। तो आपको सबसे पहले ये फैक्ट्स याद रखनी होगी कि किस टीम के द्वारा आई लीग 2023-24 को जीता गया है। तो कलकत्ता के मोहम्मदन स्पोर्टिंग के द्वारा आई लीग 2023-24 को जीता गया। किसको हराकर? तो शिलोंग टीम को हराकर उन्होंने इस आई लीग 2023-24 का विनर घोषित कर लिया अपने आप को। तो इसी के दौरान आपको ये भी फैक्ट्स याद रखने होंगे कि ये जो मोहम्मदन स्पोर्टिंग जिन्होंने आई लीग 2023-24 जीता है, ये मैच को कहाँ पे खेला गया था? तो मेघालय के शिलोंग में 6 अप्रैल 2024 को खेला गया था। और इसी के दौरान इन्होंने 133 साल पुराना कोलकाता बेस्ट क्लब को सिक्योर कर लिया है अपने आने वाले सीजन को लेकर। इसी के दौरान आपको ये भी फैक्टर्स याद रखने होंगे कि मोहम्मदन स्पोर्टिंग ने अगले साल के AAFC कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है, जिसका आयोजन एशियाई फुटबॉल महासंघ द्वारा किया जाएगा। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने होंगे कि आई लीग 2023-24 किस गेम से बिलोंग रखते हैं। तो राइट आंसर का हमारा फुटबॉल। ये फुटबॉल का एक गेम है जिसको हाल ही में कोलकाता मोहम्मदन स्पोर्टिंग के द्वारा जीता गया। और इसी के दौरान ये जो मोहम्मदन स्पोर्टिंग है, इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है आने वाले नेक्स्ट ईयर के AFC कप, जिसे हम लोग एशियन फुटबॉल फेडरेशन कप भी कहते हैं। तो इस कप के लिए उन्होंने अपने मैच को, अपने टीम को सिक्योर कर लिया है कि आने वाले सालों में वो इस गेम को खेलने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स याद रखने होंगे। डेली करंट अफेयर सीरीज के माध्यम से आपको ये याद रखना होगा कि आई लीग 2023-24 का खिताब किसने जीता है। तो कोलकाता मोहम्मदन स्पोर्टिंग के द्वारा इस खिताब को जीती गई। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हाल ही में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को साजिबू चेराओबा नव वर्ष उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो राइट आंसर होगा मणिपुर। मणिपुर में हाल ही में साजिबू चेराओबा न्यू ईयर फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट किया गया, जो पूरी तरीके से चैत्र शुक्ल प्रतिपादक के रूप में इस नए त्योहार के रूप में सेलिब्रेट किया गया। कहाँ पे? तो मणिपुर स्टेट में। तो जानते हैं इसके डिटेल फैक्टर्स की ओर। हर साल चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को पूरे देश में हिंदू नववर्ष, नवरात्रि, उगादि, गुड़ी पड़वा, चेटी चंद, नवरेह और साजिबू चेराबो त्योहार मनाए जाते हैं। इस बार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 9 अप्रैल 2024 को है। और इसी के दौरान ये पॉइंट्स याद रखने होंगे कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के रूप में हिंदू का नया साल के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इसको बहुत सारे चीजों से नाम से जाना जाता है, जैसे नवरात्रि के नाम से, उगाड़ी के नाम से, गुड़ी पड़वा के नाम से, चेती चांद के नाम से, नवरेह के नाम से और साजिबू चेराबो फेस्टिवल्स के नाम से जाना जाता है पूरे कंट्रीज में। तो यहाँ पे हमारे डेली करंट अफेयर सीरीज के माध्यम से आपको ये याद रखनी होगी कि हिंदू के नए साल की फेस्टिवल्स के रूप में जो साजिबू चेराबो फेस्टिवल्स है, ये किस स्टेट का फेस्टिवल है? तो मणिपुर स्टेट का फेस्टिवल है। इसी के दौरान आपको ये भी फैक्टर्स याद रखने होंगे कि ये वसंत और भारतीय नव वर्ष के स्वागत के अवसर में इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। हमारे देश के विभिन्न हिस्सों में मनाए जाने वाले ये त्योहार शांति, सद्भाव और सहिष्णुता का संदेश फैलाती है और ये त्योहार हमारी समृद्ध संस्कृति और विरासत के प्रतीक है। जिस तरीके से हम लोग न्यू ईयर डे 1 जनवरी को मनाते हैं एज अ ब्रिटेन यानी इंग्लिश
अंग्रेजों के अकॉर्डिंग 1 जनवरी को हम लोग हैप्पी न्यू ईयर डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, बट जो हमारा हिंदू माह के अनुसार हिंदू का नव वर्ष के अकॉर्डिंग हम लोग हर वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के रूप में नए साल को फेस्टिवल्स के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स को याद रखना होगा, और इसी के दौरान आपको ये भी फैक्टर्स याद रखने होंगे कि जो साजिबू नोंगम पनवा है, जिसे मितई चेराबो या साजिबू चेराबो के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय राज्य मणिपुर में सनमाहिज्म धर्म का पालन करने वाले लोगों का एक चंद्र नव वर्ष के त्योहार में इस फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट किया है। तो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ये याद रखनी होगी कि अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट्स आते हैं कि मणिपुर स्टेट में हिंदू न्यू ईयर फेस्टिवल्स को किस फेस्टिवल्स के नाम से जाना जाता है, तो आपको राइट आंसर टिक लगाना होगा, साजिबू चेराबो फेस्टिवल्स के रूप में मणिपुर के लोग हिंदू नव वर्ष के रूप में इस फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हाल ही में आईपीएल के इतिहास में सर्वाधिक शतक लगाने की उपलब्धि किसने हासिल की है, तो राइट आंसर का विराट कोहली। विराट कोहली ने हाल ही में अचीवमेंट हासिल की है, उन्होंने इतिहास में रच दिया है, आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले प्लेयर कौन बने हैं, तो विराट कोहली। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। विराट कोहली ने 6 अप्रैल 2024 को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग में अपना 8वां शतक बनाकर इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में सर्वाधिक शतकों का रिकॉर्ड बनाया है। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखने होंगे कि ये जो मैच खेला गया कहाँ पे खेला गया, तो राजस्थान रॉयल्स के बीच में खेला गया और आरसीबी के बीच में। इस मैच को कहाँ पे खेला गया, तो राजस्थान के जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेली गई। इसी आईपीएल के दौरान विराट कोहली जी ने अपना 8वां शतक पूरा कर इतिहास में सर्वाधिक शतक का रिकॉर्ड बना लिया है। इसी के दौरान कोहली ने अपना पहला शतक 2016 में लगाया था, उनके पीछे क्रिस गिल है जिन्होंने 6 आईपीएल शतक बनाए हैं, जबकि जोस बटलर के नाम 5 शतक है, और केएल राहुल, शेन वॉटसन और डेविड वार्नर सभी ने क्रिकेट की सबसे अमीर लीग में 4 शतक बनाए हैं। तो ये सारे फैक्टर्स को याद रखना होगा। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि हमारे भारतीय टीम विराट कोहली जी के द्वारा 8 सेंचुरी लगाकर आईपीएल में इतिहास रच दिया है और इतिहास में अपना रिकॉर्ड को दर्ज करा लिया है। तो ये सारे फैक्टर्स को याद रखना होगा अगर एग्जाम में ये क्वेश्चंस आते हैं कि विराट कोहली ने अपना सबसे ज्यादा सर्वाधिक शतक लगाकर आईपीएल में जो 8 सेंचुरी लगाई थी उन्होंने, तो इस अकॉर्डिंग वो कहाँ पे मैच खेला गया था, तो आपको राइट आंसर लगाना होगा कि जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में। किसके बीच मैच चल रही थी, तो राजस्थान रॉयल्स और आरसीबी के बीच में ये मैच के दौरान विराट कोहली ने अपना 8वां शतक बनाकर इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में इतिहास रच दिया। तो ये सारे फैक्टर्स को याद रखना था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हाल ही में मोंटे कार्लो मास्टर्स में मुख्य ड्रॉ मैच जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो राइट आंसर सुमित नागल। सुमित नागल जी के द्वारा जीता गया एक ड्रॉ मैच जो पूरी तरीके से कहां पे खेला गया था, तो मोंटे कार्लो मास्टर्स में मुख्य ड्रॉ मैच जीतकर इन्होंने इतिहास को रच दिया और इसी के दौरान ये पहले भारतीय बने हैं जिन्होंने इस मैच को जीता है। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने 35वीं रैंकिंग वाले मैटेओ अर्नाल्डी को हराया और 9 अप्रैल 2024 को मोंटे कार्लो मास्टर्स में मुख्य ड्रॉ मैच जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। उन्होंने अर्नाल्डी को 3-3 में 5-7 6-2 6-4 से हराया और इसी के दौरान एटीपी मास्टर्स इवेंट में रोमांचक सेट के साथ इन्होंने उपलब्धि को हासिल की। इसी के दौरान जो विशेष रूप से उनकी जीत किसी भी क्ले कोर्ट एटीपी मास्टर्स 1000 इवेंट में किसी भारतीय द्वारा पहली है, क्योंकि यह स्तर 1990 में पुरुषों के दौरे द्वारा शुरू किया गया था। तो ये फैक्टर्स को याद रखना होगा और आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि हमारे भारतीय टेनिस प्लेयर सुमित नागल जी ने 35वें रैंक मैटियो अर्नाल्डी को हराकर पहले भारतीय बने हैं जिन्होंने मेन ड्रॉ मैच एट कहां पे आयोजित हो रहा था, तो मोंटे कार्लो मास्टर्स में इन्होंने अपने खिताब को जीतकर अपनी उपलब्धियां अपनी को हासिल की है। और इसी के दौरान गैरवीर्यत प्राप्त और 95वें स्थान पर रहे नागल जी ने 1977 में विजय अमृत राज और 1982 में रमेश कृष्णन के बाद मोंटे कार्लो में मुख्य ड्रॉ में शामिल होने वाले केवल तीसरे भारतीय बन चुके हैं। तो ये सारे फैक्टर्स को याद रखना होगा। तो जानते हैं कि मोंटे कार्लो मास्टर्स क्या है, तो इसे रोलेक्स मोंटे कार्लो मास्टर्स के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 1896 में मोंटे कार्लो इंटरनेशनल के रूप में हुई थी, जो कि पुरुष पेशेवर खिलाड़ियों के लिए फ्रांस के रोकरे ब्रून कैप मॉर्टिन में आयोजित एक वार्षिक टूर्नामेंट
टेनिस टूर्नामेंट को आयोजन कराने के लिए यह मोंटे कार्लो मास्टर्स को बनाया गया था। तो इसी के साथ आपको ये फैक्टर्स याद रखने होंगे कि सुमित नागल जी जो पहले इंडियन टेनिस प्लेयर बन चुके हैं जिन्होंने 35 रैंकिंग मैथ्यू अर्नाल्डी को हराकर पहले इतिहास रच दिया है। तो ये सारे फैक्टर्स को याद रखना था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हाल ही में विश्व के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो राइट आंसर का जॉन अल्फ्रेड जी ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है फॉर द वर्ल्ड ओल्डेस्ट लिविंग मैन के रिप्रेजेंट में। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। 111 वर्षीय ब्रिटिश अंग्रेज जॉन अल्फ्रेड टेनिस वुड को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति के खिताब से नवाजा गया। यह इस महीने वेनेजुएला के रिकॉर्ड धारक जुआन विशेंट पेरेस की 114 वर्ष की आयु में मृत्यु के बाद जापान के गिशाबुरु सोनोबो जो सबसे लंबे समय तक जीवित रहे 31 मार्च को 112 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। तो ये सारे फैक्टर्स याद रखने होंगे। और सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ये याद रखनी होगी कि 111 साल के उम्र में ये एक ब्रिटिश इंग्लिशमैन है जिनका नाम है जॉन अल्फ्रेड जी। इनको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नामित किया गया है द वर्ल्ड के ओल्डेस्ट लिविंग मैन के कैटेगरी में। ये रिकॉर्ड पहले किसके नाम पे था? तो यही इसी महीने वेनेजुएला के रिकॉर्ड धारक जुआन विसेंट प्रेज जी का निधन हो गया 114 वर्ष की आयु में। और इन्हीं के मृत्यु के बाद इनको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया क्योंकि सबसे उम्रदराज वर्ल्ड ओल्डेस्ट मैन लिविंग के कैटेगरी में जॉन विसेंट पेरेज जी नामित थे जिनका निधन हो चुका। तो ये सारे फैक्टर्स याद रखना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश से मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम इग्ला एस को हासिल किया है? तो राइट आंसर होगा रशिया। रशिया से हाल ही में इंडिया ने एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम जिसका नाम रखा गया है इग्ला एस, इसको रशिया के द्वारा एक्वायर किया गया इंडियन आर्मी के द्वारा। ये सारे फैक्टर्स को याद रखना होगा। तो चलते हैं इसके डिटेल फैक्टर्स के बारे में। भारतीय सेना ने अपनी बहुत कम दूरी की वायु रक्षा वशुरद क्षमताओं को बढ़ाने के लिए रूस से इग्ला एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम हासिल किया है। यह अधिग्रहण पुराने इग्ला 1M सिस्टम की जगह लेता है। इसी के दौरान भारतीय सेना को एक बड़े सौदे के हिस्से के रूप में 100 मिसाइलों के साथ 24 रूसी निर्मित इग्ला एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स का पहला बैच प्राप्त हुआ जिसमें भारत में घरेलू उत्पादन भी शामिल है। इसी के दौरान आपको ये भी फैक्ट्स याद रखने होंगे कि इग्ला एस एक हाथ से पकड़े जाने वाली रक्षा प्रणाली है जिसे एक व्यक्ति या चालक दल द्वारा संचालित किया जा सकता है। इसे कम उड़ान वाले विमानों को मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया है और यह क्रूज मिसाइलों और ड्रोन जैसे हवाई लक्ष्य को भी पता लगा सकता है और उन्होंने इसे निष्क्रिय भी कर सकते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स याद रखने होंगे। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स ये याद रखनी होगी कि इग्ला एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स को इंडियन आर्मी के द्वारा एक्वायर किया गया जो किस कंट्री का है? तो रशिया से हम लोग इसको एक्वायर किए हैं। तो ये सारे फैक्टर्स को याद रखना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से मुक्त होने के अधिकार को मान्यता दी है? तो राइट आंसर का आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21। इन दोनों आर्टिकल्स को अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट के मान्यता के अकॉर्डिंग संविधान में ये प्रावधान लाया गया कि इन लोगों को जलवायु के तहत परिवर्तन के दुष्प्रभाव से मुक्त होने का अधिकार दिया। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 5 अप्रैल 2024 को पहली बार जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के खिलाफ अधिकार को मान्यता देते हुए ये कहा कि यह जीवन और समानता के अधिकार से जुड़ा है जो भारतीय संविधान में अंतर्निहित है। ये सारी चीज उसमें मेंशन है। और इसी के दौरान ये दलीलें ग्रेट इंडिया बस्टर्स और लेसर फ्लोक्रीन के संरक्षण पर एक मामले की सुनवाई कर रही भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ के फैसले को हिस्सा देती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 जो कानून के समक्ष समानता और कानून की समान सुरक्षा दिया गया है और आर्टिकल 21 जिसका मतलब है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, इस अधिकार के महत्वपूर्ण स्रोत को बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह जारी की है कि उन्होंने पहली बार जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव के खिलाफ अधिकार को मान्यता देते हुए ऐसा निर्णय लिया है। तो आपको ये पॉइंट्स पहले याद रखने होंगे कि आर्टिकल 14 क्या कहता है। तो आर्टिकल 14 कहता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ,
यानी कानून के समक्ष समानता और कानून की समान सुरक्षा सभी को करनी है, आर्टिकल 14 में इसको दिया गया है। और आर्टिकल 21 में यह भी मेंशन है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी हमारा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 21 में दिया है। और इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट ने यह प्रावधान लाया गया कि जलवायु से परिवर्तन के प्रतिकूल होने वाले खिलाफ अधिकारों को मान्यता दी गई इसी दोनों आर्टिकल्स को देखते हुए। तो ये सारे फैक्टर्स को याद रखना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश में स्थित सितवे बंदरगाह के परिचालन अधिकार को हासिल कर लिया है? तो राइट होगा म्यांमार। म्यांमार के सितवे पोर्ट को इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक्वायर कर लिया गया। तो जानते हैं इसके पीछे का रीजन। विदेश मंत्रालय ने म्यांमार के राखीन राज्य में कालादान नदी पर स्थित सितवे बंदरगाह के पूरे संचालन को संभालने के लिए इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल्स के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। और इस प्रकार ईरान के शाहिद बेहसित बंदरगाह छावर के बाद म्यांमार के सितवे बंदरगाह इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के नियंत्रण में आने वाला दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह बन गया है। तो आपको ये फैक्टर्स को याद रखने होंगे कि हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने एक्वायर किए हैं सितवे पोर्ट, जो कहां से बिलोंग करता है, तो म्यांमार का सितवे पोर्ट जहां पे हमारे ही द्वारा इसे बनाया गया था, जो कहां पे लोकेटेड है, तो कालादान रिवर पे लोकेटेड है। इसी के दौरान भारत के पास अब दो इंटरनेशनल पोर्ट हो चुके हैं जिसपे पूरी तरीके से भारतीयों का कंट्रोल है। तो पहला पोर्ट कौन सा है? तो ईरान के साहिद बेहिस्ती बंदरगाह, जिसे हम लोग छावर पोर्ट कहते हैं, उस पर हमारा कंट्रोल है। और इसी के दौरान सितवे बंदरगाह, जो हमारे कंट्रोल में अब आ चुका है, इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड की सहायक कंपनी है, जो केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन है। छावर के दो टर्मिनलों पर सीमित नियंत्रण के विपरीत भारत के पास अब सितवे बंदरगाह पर पूर्ण प्रचालन का अधिकार हो चुका। तो जानते हैं इसके डिटेल फैक्टर्स की बार कि सितवे पोर्ट आखिर क्या है। तो म्यांमार के राखीन राज्य में सितवे बंदरगाह का विकास भारत और म्यांमार के बीच हस्ताक्षरित कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का हिस्सा है। और इसी के दौरान सितवे बंदरगाह को भारत के मिजोरम राज्य से जोड़ेगा, ऐसा लिया गया था निर्णय। और इसी के दौरान पूरे तरीके से अब कंट्रोल सितवे पोर्ट पर किसका हो जाएगा? तो हमारे भारतीयों का हो जाएगा। इस बंदरगाह का निर्माण भारत की ओर से म्यांमार को दिए गए $500 मिलियन के अनुदान से किया गया था। तो आपको ये भी पॉइंट्स याद रखने होंगे, सितवी पोर्ट को डेवलप करने के लिए इंडिया के द्वारा कितने अनुदान दिए गए थे? तो $500 मिलियन का अनुदान म्यांमार को दिया गया था ताकि डेवलप कर सके हमारे सितवे पोर्ट को। और इसी के दौरान अब इंडिया के पास पूरी तरीके से एक्वायर कर लिए गए हैं सितवे पोर्ट को। कालादान परियोजना के जलमार्ग और सड़क नेटवर्क से मिजोरम और त्रिपुरा के लिए कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय सुधार को देखा जाएगा। तो ये फैक्टर्स याद रखने होंगे कि इसका जो मेन पर्पस है, जो मिजोरम और त्रिपुरा में होने वाले सड़क नेटवर्क यानी रोड नेटवर्क्स को कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए सितवे पोर्ट को डेवलप करने के लिए भारत सरकार के द्वारा $500 मिलियन का अनुदान म्यांमार गवर्नमेंट को दिया गया था। और इसी के दौरान अब सितवे पोर्ट पूरे तरीके से भारतीय के एक्वायर भारतीय के कंट्रोल में आ चुका है। तो जानते हैं कि जो कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के माध्यम से क्या निर्णय लिया गया था? इसके तहत कालादान नदी पर सितवे बंदरगाह से म्यांमार के पलेतवा तक 158 किलोमीटर जलमार्ग विकसित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त मिजोरम राज्य में भारत म्यांमार सीमा पर पलेतवा से जोरिंग पई तक 109 किलोमीटर सड़क नेटवर्क विकसित भी किया जा रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स को याद रखने होंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स ये याद रखनी होगी कि हाल ही में इंडिया ने एक्वायर कर लिया है सितवे पोर्ट, जो कहां का पोर्ट है, तो म्यांमार का। तो चलते अपने रिवीजन बैच की ओर। 10 अप्रैल 2024 के सारे करंट अफेयर्स को रिवीजन मोड में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में एनटीपीसी ने किस राज्य की 220 मेगावाट की बरौनी स्टेज 1 परियोजना को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है? तो बिहार की। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में हिमालय में ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड की निगरानी के लिए एक विशेषज्ञ पैनल का गठन किसने किया? तो उत्तराखंड ने। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में चुनाव संबंधी जानकारी के लिए बूथ राबता वेबसाइट किसने लॉन्च की है? तो पंजाब ने। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में लॉन्च हुई नई पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी का लेखक कौन है? तो सैम पित्रोदा। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में छठा अंतर्राष्ट्रीय रैपिड फिडे रेटेड शतरंज टूर्नामेंट कहां आयोजित किया गया? तो आईआईटी मद्रास में। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में विप्रो के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर का श्रीनिवास पल्लिया को। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस राज्य के मिराज में बने सितार और तानपुरा को जीआई टैग मिला है? तो महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 8, भारत की समुद्री सुरक्षा एजेंसियों ने अप्रैल 2024 में तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहां आयोजित किया है? तो लक्षद्वीप में। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस ऑफ द डे में। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है?
विच अमंग द फॉलोइंग क्लियरली डिस्क्राइब्स अ सिल्वर फिश, निम्नलिखित में से कौन स्पष्ट रूप से सिल्वर फिश का वर्णन करता है। ऑप्शन ए अ फिश, ऑप्शन बी अ विंगलेस इंसेक्ट, ऑप्शन सी एन आर्थ्रोपोड या ऑप्शन डी अ फ्रॉग। तो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी कंटेंट आपके पास पहुंच जाए। जय हिंद जय भारत दोस्तों।